बात कहता हूं कि समाज के काम के लिए जात है, जब समाज की बात आए, समाज के काम की बात आए, तब उसके लिए जाती है, जब विकास की बात आए तब आप विकास के साथ जाओ तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, जाति के आधार पर आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। लोग चुनाव में जातियों के नाम पर बांटने का काम करते हैं, लोग चुनाव के नाम पर जातियों को अलग अलग करने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं जाति का ठाकुर हूं तो मैं ठाकुर बनने के बाद कौन से ठाकुर को हमने अपनी 5 एकड़ जमीन लिख दी? कौन से ठाकुर को लिख दी 5 एकड़ जमीन? कौन को हमने अपने घर की संपत्ति दे दी? अरे ये तो आपको करना है, आपके कर्म से करना है। हम तो सिर्फ विकास में मदद कर सकते हैं। हम अगर सड़क बनाएंगे तो उसमें ठाकुर भी जाएगा, ब्राह्मण भी जाएगा, सब जाएंगे। अगर मीना नदी परियोजना बनेगी तो उसका पानी सबके खेत में जाएगा, कोई ठाकुर के खेत में थोड़ी जाएगा, सबके खेत में जाएगा। और इसलिए ये सब जातिवाद की राजनीति और लोगों में फूट डालने की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, इस राजनीति से खुरई को बाहर निकालना पड़ेगा। बुंदेलखंड की सियासत जातिगत आधारित होती है और लगभग सभी सियासी नेता जातिगत समीकरण रहते हैं, उन्हें भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह अब एक नई अलख जगा रहे हैं, जातिगत आधारित राजनीति से ऊपर उठकर विकास को सामने रख रहे हैं। ऐसा करना कितना बड़ा जोखिम है? देखिए आशुतोष जी, ये पूरे देश को इस बात को समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जो हालात हैं, गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, ये सारे कारण जो हैं ये चुनाव में योग्यता के आधार पर चुनाव देश में नहीं हुए हैं। और जब देश में योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं होंगे, विचारधारा के आधार पर चुनाव नहीं होंगे और जाति आधार पर चुनाव होंगे तो विकास नहीं होगा। व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा, उससे उस समाज के व्यक्ति का विकास होगा। और इसलिए व्यक्ति अपने विकास के लिए समाज को आधार बनाता है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को योग्यता के आधार पर आगे आना चाहिए, किसी समाज या जाति के नाम पर आगे नहीं आना चाहिए। अपने जातिगत आधारित की बात करिए, योग्यता की बात की, ये कहीं ना कहीं आरक्षण से भी जुड़े रहते हैं ये मुद्दे, तो क्या ये माना जाए कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं? देखिए आरक्षण में और जातिवादी राजनीति में फर्क है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, समाज पिछड़ा हुआ है, गरीब है समाज, तो असमानता है, तो वो सामाजिक, सरकार समानता दे उसको, सरकार उसका विकास करे, पर जाति के नाम पर वोट डलें ये उचित नहीं है। गरीबी के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण मिले, आरक्षण का लाभ मिले, ये विकास के लिए आवश्यक है, ये राजनीति के लिए आवश्यक नहीं है। कहीं ना कहीं एक अलग तरह की राजनीति अब बुंदेलखंड में दिखाई देने लगी है। बतौर राजनेता ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, लेकिन बकौल भूपेंद्र सिंह जी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक परिवर्तन का बयार देखने को मिल रही है। कम से कम खुरई और बुंदेलखंड में ये परिवर्तन का जो आगाज़ है वो भूपेंद्र सिंह जी ने कर दिया है, लोगों तक विकास की बात पहुँचाई जा रही है और विकास आधारित राजनीति का यहाँ पर शंखनाद होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, सागर।